जय व्यापार, मैं हूं तपेश जैन और हम लोग हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऑफिस में खड़े हैं। 3 साल बेमिसाल 10,000 से ज़्यादा की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है 3 सालों में। क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ में गौरव मंधानी जी और महेंद्र सिंह जी भगोड़िया हमारे साथ में, क्या कुछ कहेंगे गौरव भैया? देखिए, 3 साल वाकई ये जो रहे हैं बेमिसाल रहे हैं। अमर भैया और अजय भैया के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो आज तक नहीं हुआ, मतलब इतना अच्छा काम। सबसे ज़्यादा 10-12 हज़ार मेंबर से लेके आज 26,000, एक बहुत बड़ी उपलब्धता। समय समय पर GST की कार्यशाला, समय समय पर इनकम टैक्स का सेमिनार, समय समय पर अधिकारी आके ट्रैफिक रूल समझाए, समय समय पर GST, समय समय पर लोगों को मतलब सहूलियत मिली। अच्छा, व्यापारी वर्ग जो पीड़ित था कोरोना के बाद से, उनको मुद्रा लोन दिलवाया, मतलब अनगिनत बहुत एकदम जो काम हुआ है चैम्बर का ये 3 साल। शासन प्रशासन के साथ चैम्बर ने सारे व्यापारियों को सेतु का काम किया है। क्या कहेंगे महेंद्र भैया? सही बात है, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 3 साल में बहुत ही उन्नति की है, बहुत कार्य किया है। अमर पारवानी जी के नेतृत्व में, अजय वसीन जी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ है और अभी चेष्टा करके इन लोगों ने जो कॉरिडोर करवाया है वो कंटिन्यू रहेगा। भूपेश बघेल सरकार के समय में उसको अनुमति मिली, अभी आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सफल रहेगा और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। कोरोना काल के अंदर में अमर पारवानी जी ने के नेतृत्व में हर व्यापारी हर एरिया में जाके काम करवाया है। लोग डर के मारे सो गए थे, घर में निकल नहीं रहे थे, सबको भोजन उपलब्धि करवाई है और बीच में जो सेल टैक्स वगैरह में GST में जो प्रॉब्लम आती रहती है उसके लिए भी अमर पारवानी जी श्री अजय सिंह जी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अजय वसीन जी भिलाई के अंदर में भी सभी व्यापारियों को मिला के सभी को ज्वाइंट करके कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बढ़िया कार्य करेगा। अजय वसीन जी और उनकी टीम, अमर पारवानी जी की टीम पुनः दोबारा से नेतृत्व के कारण फिर से चुनाव जीत के अच्छे चुनाव जीत के फिर से नेतृत्व करेंगी। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ में एक उत्तम गोलछा जी भी है, कोषाध्यक्ष इस टीम में, उनका भी बड़ा योगदान रहा है, तो आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।